आज बात करेंगे उपनिषद के एक बहुत प्रसिद्ध कहानी के बारे में, जिसका नाम है अंतिम सत्य। जीवन के अंतिम दिन आ गए थे एक महान पंडित के, और अब वो ये चाहता था कि वो कहीं दूर चला जाए, किसी पर्वत की गुफा में चला जाए। उसकी दो पत्नियां थीं, बहुत सारा धन था उसके पास। वो व्यक्ति अपने समय का प्रकांड पंडित था। कोई भी पंडित उसका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखता था। बहुत ही प्रतिष्ठित था। उसकी प्रतिष्ठा के बारे में एक कहानी है कि एक बार राजा जनक ने एक बार बहुत बड़ा सम्मेलन किया और 1000 गायों को उनके सींग को सोने से मढ़वा दिया और उनके ऊपर बहुमूल्य वस्त्र डालकर महल के दरवाजे पे खड़ा कर दिया और कहा कि जो पंडित विवाद जीतेगा वह इन 1000 गायों को ले जाने का हकदार होगा। देखिए, पहले के समय में मुद्राओं से ज़्यादा गायों का महत्व होता था, बहुत कीमती समझे जाते थे जिनके पास जितना ज़्यादा पशुधन होता था। अब उस दिन बड़े से बड़े पंडित इकट्ठे हुए, दोपहर हो गई, बड़ा विवाद चला, कुछ तय ही नहीं हो पा रहा था कि कौन व्यक्ति हारेगा कौन जीतेगा। तब दोपहर को वो महान पंडित जिसका नाम था याज्ञवल्क्य, वो आता है, अपने शिष्यों के साथ आते हैं। दरवाजे पे उन्होंने देखा कि बहुत सारी गायें खड़ी हैं जो बेचारी सुबह से खड़ी खड़ी थक गई थी, धूप में पसीना बह रहा था। उसने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा करो, इन गायों को खदेड़ कर घर ले जाओ, मैं विवाद निपटा कर आता हूँ। यहाँ तक कि राजा जनक की भी हिम्मत नहीं पड़ी ये कहने की कि ये क्या हिसाब हुआ, पहले विवाद तो जीत जाओ। किसी एक पंडित ने कहा कि यह तो नियम के विपरीत है, पुरस्कार पहले ही। तो याज्ञवल्क ने कहा, मुझे भरोसा है, तुम फिक्र ना करो, विवाद तो मैं ही जीतूंगा, विवादों में क्या रखा है। लेकिन ये जो गायें हैं ये थक गई हैं और इन पर भी हमें कुछ ध्यान देना ज़रूरी है। उसने अपने शिष्यों से कहा कि फिक्र मत करो, बाकी मैं निपटा लूँगा। शिष्य गायें खदेड़ कर ले गए और याज्ञवल्क ने विवाद बाद में जीता और पुरस्कार पहले ही ले लिया। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी प्रतिष्ठा कितनी बड़ी थी कि उसके सामने राजा जनक भी नहीं बोल सके। बड़ा धन था उसके पास, बड़े सम्राट उसके शिष्य थे, लेकिन अब उसका मन घर गृहस्थी से ऊब चुका था क्योंकि उसकी उम्र हो रही थी और अब संन्यास की तरफ अग्रसर हो रहा था। उसकी दो पत्नियां थीं। उसने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाकर कहा कि मेरे पास बहुत सारा धन है, आधा आधा धन तुम्हें बांट देता हूँ, बहुत है, 7 पीढ़ियों तक भी ये धन खत्म नहीं होगा, इसलिए निश्चिंत रहो, कोई अड़चन तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आएगी। लेकिन अब मैं जंगल को जा रहा हूँ, अब मेरे अंतिम दिन आ गए हैं और ये अंतिम दिन मैं परमात्मा के साथ समग्रता से लीन हो जाता चाहता हूँ। अब मैं कोई भी प्रपंच, कोई भी परेशानी अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता हूँ, मैं एक क्षण भी और गृहस्थी में रुकना नहीं चाहता हूँ। अब उसकी एक पत्नी तो बड़ी प्रसन्न हुई क्योंकि इतना सारा धन याज्ञवल्क उनके लिए छोड़े जा रहे थे और उसमें से आधा उसे मिल रहा था। अब वो सोचती है, अब तो मैं बहुत मज़े करूँगी। लेकिन दूसरी पत्नी ने कहा, इससे पहले कि आप जाएं, मेरे बस एक प्रश्न का उत्तर दे दें, इस धन से आपको शांति मिली, इस धन से आपको आनंद मिला, या इस धन से कि आपको परमात्मा मिला? अगर मिल गया तो फिर कहाँ जाते हो, और अगर नहीं मिला तो यह कचरा मुझे क्यों पकड़ाते हो, और फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती। अब याज्ञवल्क जिंदगी में पहली बार निरुत्तर खड़े रह जाते हैं कि वह इस स्त्री को क्या कहें, कहें कि नहीं मिला तो फिर बांटने की इतनी अकड़ क्या, और बड़े गौरव से बांट रहे थे, देखो इतना हीरा है, इतना जवाहरात है, इतना सोना है, इतने रुपए हैं, इतनी ज़मीन है, इतना विस्तार है, बड़े गौरव से बांट रहे थे। इस गौरव में अहंकार भी तो था उस क्षण में कि देखो मैं कितना दे के जा रहा हूँ। किसी पति ने आज तक अपनी पत्नियों को इतना नहीं दिया होगा, लेकिन दूसरी पत्नी ने उसके सारे अहंकार पे पानी फेर दिया और उससे कहा कि अगर तुम्हें
इससे कुछ भी नहीं मिला तो ये कचरा हमें क्यों पकड़ाते हो? यह उलझन हमारे ऊपर क्यों डाले जाते हो? अगर तुम इससे परेशान होकर जंगल जा रहे हो तो आज नहीं कल हमें भी जाना पड़ेगा। तो कल क्यों, आज ही क्यों नहीं? मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। तो याद रखिए, जो धन बांट रहा है वह धन क्या बांटेगा? जो ज्ञान दे रहा है वो क्या ज्ञान देगा? जो पाठशालाएं खोल रहा है, जो धर्मशास्त्र को समझा रहा है, यदि उसने खुद ध्यान और समाधि में डुबकी नहीं मारी तो वो सिर्फ और सिर्फ कचरा बांट रहा है। उसका कोई मूल्य नहीं है। बांटने योग्य अगर कोई चीज़ है तो वो चीज़ है परमात्मा। लेकिन उसे तुम सिर्फ और सिर्फ तभी बांट सकते हो जब तुम खुद परमात्मा को पा जाओ। जब तुम खुद जानोगे तभी तुम दूसरे को बता सको।